ठीक है। चलो अब ये देखो, वेटेबिलिटी, वेटेबिलिटी क्या होता है भाई? अगर मैं ग्लिसरीन लूं और मैं वाटर लूं, दोनों को ग्लास के सरफेस पे रखता हूं, तो कौन वेट भिगो सकता है, कौन इसको भिगो देगा? देखो, वाटर रखोगे तो कुछ ऐसे आता है, ग्लिसरीन रखोगे तो कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। ग्लास के सरफेस पे रखोगे तो वाटर, अब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इस पे ड्रा करो, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लिक्विड के सरफेस पे टेंजेंट, सॉलिड के सरफेस के टेंजेंट और लिक्विड के अंदर, ये एंगल एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है। यहाँ पे देखो, ग्लिसरीन के सरफेस पे, सॉलिड के सरफेस पे, लिक्विड के अंदर, यहाँ यहाँ पे थीटा ग्रेटर देन 90 है और यहाँ पे थीटा लेस देन 90। वैसे भी यार ऐसे तुम याद कर लो, ठीक है, कि अगर थीटा लेस देन 90 है तो वो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेस देन 90 है तो वो लिक्विड सॉलिड के सरफेस को भिगो देगी, ठीक है। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है तो वो लिक्विड सॉलिड के सरफेस को भिगो नहीं देगी, भिगोएगी नहीं मतलब, ठीक है। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बी ऑप्शन सही है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वेटेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है।